my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. गुड मॉर्निंग है गाइस, कैसे हो सारे यार? आज अपना नया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, संडे राइड, नए संडे राइड। पिछली संडे राइड पे हम गए थे एम्बियंस लेपर्ड हिल, आज हम जा रहे हैं नोएडा। तो यार निकलते हैं, हल्की हल्की बारिश होती है, अभी रुकी है और लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक बार गुरुद्रोणाचार्य पे अपना वेट कर रहे हैं, अब डायरेक्ट उनसे वहीं मिलते हैं। ये अपनी बाइक खड़ी है फुल सेट, बस अब थोड़े गियर अप होके निकलते हैं, पहुँचते हैं। फ़ोन आ गया यार उनका। सो गाइस यार हम निकल चुके हैं और अभी हम हैं NH8 पे। अब अपन को जाना है गुरु द्रोणाचार्य। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पता नहीं यार आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। सो यार अभी हाईवे तो बंद कर रखा है G20 के चक्कर में। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे मेहरोली वाला रास्ता, वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा। सो यार गाइस अपन खड़े हैं यार अभी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे, बिकॉज अपने दो भाई तो आगे जा चुके हैं। दो भाई अभी आ रहे हैं, अपनी बाइक खड़ी है पूरी। अब यार यहाँ से अब वेट कर रहे हैं फैजल भाई और ज़ुबैर, ये दो लोग अभी पीछे से आ रहे हैं, मतलब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो वो तो लेट हो गए थोड़ा। अब ठीक है, एक बार वो आते हैं फिर यार आगे चलते हैं, अब सीधा जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए यार हम, 6 बजे पहुँचना था, 6:30 यहीं पर ही हो रहे हैं, अभी पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा अभी। तो ठीक है यार एक बार यहाँ से निकलते हैं, थोड़े बीच में देखता हूँ। बारिश की वजह से मैं शॉर्ट्स भी नहीं ले पा रहा हूँ यार, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रेनकोट पहनना पड़ा मेरे को आखिर में जाके। तो गाइस यार फाइनली अपन पहुँच चुके हैं, अभी दो बाइक खड़ी हैं, बाकी लोग आ गए हैं। ये अपने भाई की राइनो, ये शुभम भाई की लियो, लियो, और ये अपने विक्रम भाई की, भाई बाइक का क्या नाम है, कायरा, कायरा, ये विक्रम भाई की कायरा। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं रवि भाई के पास। यार ये लोग अपने हमारे ब्लॉग नहीं देखते, अपने भी क्या करेंगे। चलो भाई सही मजे आ रहे हैं। तो यार यहाँ पे मस्ती बहुत हो गई, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे लोगों से मिलते हैं, फिर आगे देखा। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've played it. तो यार यहाँ पे चल रही है फुल मस्ती और हो रहा है रवि भाई का वेट, और भाई अपना शुभम भाई तो फुल मजे में, फुल मजे में। और उसके बाद भाई ये पीछे विक्रम भाई अपनी बाइक्स के साथ फोटो शूट करते हुए, और सामने बिल्डिंग से ही रवि भाई आ रहे हैं। तो यार बारिश में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा होता है यार, लिटरली। और भाई अपने विक्रम भाई तो फुल मज़े में यार, मतलब फुल मज़ा ले रहे हैं बारिश का। और यार आगे अनिरुद्ध और शुभम भाई भी जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे सीन ही हो रहा था कि वहाँ पे कट नहीं था, तो अब आगे कट पे जाके हम वेट करेंगे। ये अपने जूतों में भर चुका है पूरा का पूरा पानी, भाई लिटरली पानी ना निचुड़ निचुड़ के निकल रहा है, इतना पानी भरा हुआ है जूतों में। तो बाबू आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं, कैफे में जाएंगे, बढ़िया से खाना वाना खाएंगे, और तब तक थोड़ी सी राइड मारेंगे फिर अपन निकल लेंगे। ओए होए 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 होए। तो यार देखो अभी चारों बाइक लगी हुई है, अभी एक बाइक और आ रही है, फिर यहाँ लगा के एक प्यारी सी रील बनाते हैं। फाइनली अपने सेठ आ चुके हैं, काफ़ी देर से वेट करता है हर सर का, बट कोई बात नहीं, तो भाई बस यही है। क्या हाल चाल आपके? तो यार अब बने हैं माहौल। चलो यार गाइस आपको लाइनअप दिखाता हूँ, ये आज का पूरा लाइनअप है यार, ये इंटरसेप्टर्स की आवाज़
जबरदस्त यार, ये इंटरसेप्टर है अपने भैया की। देन वी कम टू जिक्सर। जिक्सर नाम है क्या, कायरा, ये अपने विक्रम भाई की। तो उसके बाद ये अपनी गोबलिन, ये अपने नाम चेंज कर दिया। पहले हम सोचे थे इसका नाम रखते हैं हल्क, बट अब नाम चेंज करके गोबलिन। देन यह ये अपनी शुभम भाई की, वो रे अपने मालिक, और ये अपने अनिरुद्ध भाई की राइनो। तो यार अब निकलते हैं, अब अपन जाएंगे यहाँ से आगे से यू टर्न लेके, अब आप बढ़िया से जगह जाके बैठेंगे। तो भाई चीते चले, चलो तो चलते हैं। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Yeah, bike ride बारिश में अब जितनी मज़ेदार होती है ना, रिस्की भी उतनी होती है, बिकॉज बारिश में स्लिप होने के चांसेस उतने ही होते हैं, और पानी में कोई गड्ढा है वो दिखता नहीं है। अब एक बार पीछे अनिरुद्ध भाई शायद बाइक रोक रहे हैं, शायद कुछ इशू है, और बाकी आ रही है सामने इंटरसेप्टर्स, क्या गजब आवाज़ आ रही है, पूछो ही मत। यार अभी फिर से एक ब्रेक लिया है पीछे अनिरुद्ध भाई की बाइक में, कुछ इशू आ गया, मतलब इशू नहीं आया, पता नहीं शायद कैमरा सेटअप कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। तो एक बार यार अभी यहाँ से चलते हैं। बस मेरे को यार ये क्या बोलूँ इसको, तिरपाल, ये तिरपाल भाई वो बारिश से बचा रहे, जूते पूरे भीग चुके हैं, कार्गो पूरी भीग चुकी है, बस अब यही बचा रहा है। और ये जल्दी से पीछे से एक बार फ्री हो जाए। और बाकी यार ये देखो अपने दो लोग भाई लोग आ रहे हैं भाई, बहुत बाइक्स आ रही हैं, लिटरली रोड अमेजिंग है, अमेजिंग। शॉर्ट देख के तुम्हें समझ आ ही गया होगा। देख मैं कह रहा हूँ, एक पेट्रोल पंप कोई भी यार रुक लेना, दो पंप से जहाँ से मुड़े थे। अरे वो आप लोग काफी आगे चल रहे थे, इस चक्कर में मैंने, फिर कोई नहीं, अभी है काफी पेट्रोल है अभी, मतलब है 30 किलोमीटर का है। पर यार यहाँ पे कैफे में आके रुके हैं, बाहर आके इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज यार अंदर गाने चल रहे थे और फिर उसका कॉपीराइट लग जाता। अब एक छोटी सी अपने साथ दिक्कत हो गई, छोटी तो नहीं, अपनी बाइक का मार रहा था फ्यूल लो, तो फिर रवि भाई जो है पेट्रोल पंप देखते हुए चल रहे थे, इतने में अनिरुद्ध भाई सबसे पीछे हो गए। अब हुआ क्या, उनके बाइक का जो पीछे बॉक्स लगा हुआ है मैं दिखाऊंगा, वो बॉक्स पता नहीं कब में खुला, उसमें से उनका सामान निकल गया। अब वो रवि भाई तो गए हुए हैं आगे पूरा ढूंढने के लिए कि शायद मिल जाए, और इतने हम आए हैं कैफ़े पे। देखो मिल जाए यार, हम तो चाहते हैं मिल जाए, बाकी अब देखो क्या होता है। अब आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, ऑडियो म्यूट करूँगा बिकॉज copyright guessing. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. तो यार गाइस अभी अपना हो गया है पूरा खाना पीना ख़त्म, अब सारे भाई लोग रेडी हो रहे हैं, ये अपने साथ नए भाई जुड़े हैं, भाई आपका नाम अंकुर, अंकुर भाई का नाम है, और यूट्यूब चैनल भी है ना? नहीं मेरा नहीं है। आप इंस्टा हैंडल ही बता दो यार अपना, अंकुर प्रोहित 186। आप भाई को जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। और ये हमारे रवि सर, ये हमारे जुगाड़ू सर है, एक्चुअली ज्यादा जुगाड़ू बोलूँ, हमें वो सारे मेरे को सारे जुगाड़ ला के देते हैं यार ये। सही नाम है आपका। और सर यार अभी आपको बाइक की आवाज़ सुनाऊंगा, लिटरली खतरनाक। तो यार अभी यहाँ से पूरा रेडी होके निकलते हैं, अब बाइक पे जाएंगे कहीं थोड़ी गेड़ियाँ मारेंगे, उसके बाद आप बैक टू गुड़गांव। तो मिलते हैं यार लियो में, फिर पेट्रोल कम था तो शुभम भाई लियो पेट्रोल डलवाते हुए, तो बाकी अपने बाइक खड़े सारे वो खड़े हैं उधर पीछे, और ये अपने रवि भाई ने भी ज्वाइन करा उधर। अभी अपन भी जाते हैं थोड़े एक बार ये पेट्रोल डलवा ले, फिर यहाँ से एक लंबा रूट मारेंगे बाइक का, और देन वहाँ से फिर अपन बैक। यार तुम लोगों को एक मस्त चीज़ सुना, हम स्पेशली यहाँ पे आए हैं बिकॉज आगे एक यहाँ पे एक अंडर पास है, और बाइकर्स लोगों को तो पता होगा यार कि अंडर पास में जाते बाइक की क्या साउंड चेंज होती है। सो 5 4 3 2 1
एंड हियर वी गो। हाँ भाई आया मजा। गाइस यार अभी अपना हो गया है यहाँ पे, हम लोग मिल लिए हैं, खाना वाना भी खा लिया, पहले वहाँ खाए, भूख नहीं मिटी थी तो अब यहाँ पे छोले भटूरे खाए। अब ये सारे भाई हैं अपने रास्ते निकल रहे हैं, हम अपने गुड़गांव निकलेंगे। भाई ये भाई भी हमारे साथ गुड़गांव चलेंगे, और हमारे रवि सर तो अब जा ही रहे हैं अपना चीता लेके। हैं चलो अब एक बार आवाज़ तो सुना दो। खतरनाक यार, खतरनाक, बहुत तगड़ी रोड कैप्चरिंग है यार ये आवाज़। चलो गाइस अब चलते हैं यार, रास्ते कुछ दिखा दूंगा जाते हुए और फिर मिलेंगे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। यार वो तो सुना ही होगा रोड पे पागलों की कमी, एक के सामने RR 310 वाला जा रहा है, उधर बुलेट वाला, भाई दोनों आपस में इतनी गंदी रेस लगा रहे हैं, बुलेट वाला तो मरते मरते बचा है, थ्री बुलेट के अंदर घुसता। खैर वो तो अब निकल गया आगे, तो यार यहीं करते हैं व्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। टाटा बाय बाय, अलविदा।